दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट सुदर्शन। आज हम आए हैं देव मोटर्स टाटा मोटर्स शोरूम बेबीवाड़ी पुणे। ये शोरूम आपको टाटा कार्स के साथ बहुत सारे सर्विसेज भी ऑफर करता है। दोस्तों आज हमारे सामने है टाटा के मोस्ट डिमांडेड हैचबैक टाटा अल्ट्रोज। टाटा अल्ट्रोज के मेन कॉम्पिटिटर्स है मारुति सुजुकी बलेनो, टोयोटा ग्लांजा, हुंडई i20, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले इस कार के फीचर, स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, कलर ऑप्शंस, वेरिएंट्स, प्राइजेस और मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के बारे में। टाटा अल्ट्रोज अवेलेबल है पेट्रोल, CNG, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। टोटल 37 वेरियंट्स में ये कार आती है। बेस वेरियंट है अल्ट्रोज XE पेट्रोल। बेस वेरियंट की एक शोरूम प्राइस है 6.65 लाख रुपीज। इस लाइनअप का टॉप वेरिएंट है टाटा अल्ट्रोज रेसर R3। रेसर R3 की एक शोरूम प्राइस है 10.99 लाख रुपीज। दोस्तों आज हमारे सामने है टाटा अल्ट्रोज XM प्लस iCNG। इस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 8.45 लाख रुपीज। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस कार के फ्रंट लुक्स और लाइटनिंग के बारे में। फ्रंट में टाटा का लोगो, पियानो ब्लैक कलर में ग्रिल मिलता है। ग्रिल के नीचे क्रोम इलेमेंट मिलता है। हेलोजन हेडलाइट्स के साथ ये कार आती है। आपको इस कार में टेल लाइट्स भी हेलोजन वाली मिलती है। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का ऑप्शन आपको इस कार मिलता है। हेडलाइट हाइट एडजस्टर के साथ ये कार आती है। कार की फ्रंट प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। दोस्तों अब हम चलने वाली इस कार के सस्पेंशन, ब्रेक, स्टीयरिंग और टायर्स की ओर। 16 इंच के स्टील रिम्स के साथ ये कार आती है। स्टील रिम्स के ऊपर आपको व्हील कवर मिलता है। व्हील कवर के ऊपर टाटा का लोगो। फ्रंट और रियर टायर की साइज है 185/60 R16 की। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार के टायर साइज देख रहे हैं। फ्रंट में आपको मिलता है इंडिपेंडेंट मैकपर्सन ड्यूएल फास्ट ट्रक विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। रियर में मिलता है ट्विस्ट डीम विद कॉइल स्प्रिंग एंड शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन। टर्न इंडिकेटर हेलोजन वाले मिलते हैं। ORVM पियानो ब्लैक कलर में मिलते हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल बॉडी कलर मिलते हैं। कार के इंटीरियर काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। पावर स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग के साथ ही कार आती है। कार की मिनिमम टर्निंग रेडियस 5 मीटर्स है। इंटरनल डोर हैंडल, ऑटो फोल्डिंग के साथ ORVMs मिलते हैं। विंडोज के कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। डोर के ऊपर फैब्रिक फिनिश आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलती है। बॉटल होल्डर के लिए चक्का, अम्ब्रेला होल्डर। कार के फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। कीज की पोजीशन, कीज के ऊपर लॉक अनलॉक का बटन, लाइट का बटन मिलता है। CNG स्विच। इस इवेंट्स की डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगती है। स्टीयरिंग के ऊपर टाटा का लोगो मिलता है। अब हम चलने वाले इस कार के इंस्ट्रूमेंटेशन की ओर। डिजिटल अनलॉक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ ये कार आती है। इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप के साथ ट्रिप मीटर मिलता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्रॉक डिजिटल मिलता है। लो लेवल फ्यूल वार्निंग, डोर अदर वार्निंग के साथ ये कार आती है। इसके साथ ही एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस मिलती है। टैकोमीटर अनलॉक मिलता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ ये कार आती है। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट टिल्ट वाली मिलती है। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार की स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स देख रहे हैं। स्टीयरिंग के ऊपर टाटा का लोगो, वॉल्यूम का बटन। काफी प्रीमियम और अट्रैक्टिव इंटीरियर के साथ ये कार आती है। आपको इस कार में वॉइस कमांड का ऑप्शन मिलता है। लेदर रैपर स्टीयरिंग आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। स्टीयरिंग के राइट साइड को लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं, लेफ्ट साइड को वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के इंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। आपको इस वेरिएंट में मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले जो आता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। इंटीग्रेटेड इंडस म्यूजिक सिस्टम के साथ 4 स्पीकर्स मिलते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलते हैं। वॉइस कमांड, ब्लूटूथ ऑक्सिलरी USB कॉम्पैटिबिलिटी के साथ ही कार आती है। AC वेंट्स की डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगती है। अल्ट्रोज की बैजिंग आपको नीचे मिलती है। AC के कंट्रोल हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। मैनुअल एयर कंडीशनर आपको इस कार मिलता है। रियर में AC वेंट्स नहीं मिलते हैं। AC के कंट्रोल्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। फैन के कंट्रोल्स, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिलता है। USB टाइप ऑक्सिलरी पोर्ट, मोबाइल रखने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह मिलती है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है। स्क्रीन के ऊपर हम इसका गियर नॉब देख रहे हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ ये कार आती है। पार्किंग असिस्टेंस के लिए रिवर्स कैमरा विद गाइडेंस नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको डमी सॉकेट मिलता है। शोरूम से या आफ्टर मार्केट आप यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट लगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है। ट्विन कप होल्डर, मैकेनिकल पार्किंग ब्रेक,
रियर में आपको स्पेस मिलती है, रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं। इस कार के सीट्स फैब्रिक्स के बने हुए, फ्रंट और रियर में हेडरेस्ट मिलते हैं। ग्रैब हैंडल की डिजाइन, इंटरनल डोर हैंडल, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह, अम्ब्रेला होल्डर की पोजीशन। को पैसेंजर या सनवाइजर के ऊपर एयरबैग कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए मिलते हैं, IRVM मैनुअल मिलते हैं। ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर आपको टिकट होल्डर मिलता है, केबिन लाइट, 6-way मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और फ्रंट पैसेंजर सीट के साथ ये कार आती है। कार के सीट्स फैब्रिक्स के बने हुए हैं। दोस्तों अब हम चलने वाले इस कार के रियर सीट्स की ओर, देखेंगे रियर सीट्स के ऊपर आपको कितना स्पेस, कंफर्ट और लेग रूम मिलती है। एक्सटीरियर डोर हैंडल ब्लैक कलर में रियर वाला मिलता है। कार की साइड प्रोफाइल काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार की सीटिंग देख रहे, काफी कंफर्टेबल सीटिंग के साथ ये कार आती है। बहुत ही बढ़िया स्पेस आपको इस कार मिलता है। इंटरनल डोर हैंडल, डोर के ऊपर आपको हार्ड फिनिश मिलती है, बॉटल होल्डर के लिए जगह। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार का डैशबोर्ड देख रहे, डैशबोर्ड की डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगती है। रियर में आपको यहाँ पर कुछ स्पेस मिलता है, रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया लेग रूम के साथ ये कार आती है। ग्रैब हैंडल, इंटरनल डोर हैंडल, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह, सीट बेल्ट एंकर पॉइंट्स, हाई सोफिक्स आपको इस कार मिलता है। कार की सीटिंग काफी कंफर्टेबल है। रियर में आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, पार्सल ट्रे की डिजाइन, सीट बेल्ट एंकर पॉइंट्स हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे। डैशबोर्ड की डिजाइन काफी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लगती है। दोस्तों अब हम चलने वाले इस कार के रियर की ओर, देखने वाले रियर के लुक्स कैसे लगते हैं, आपको इस कार में कितना बूट स्पेस मिलता है। कार की साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल काफी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लगती है। हैलोजन टेल लाइट्स के साथ ये कार आती है। CNG होने के बावजूद भी आपको इस कार में बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस मिलता है। कार की रियर प्रोफाइल, टाटा का लोगो, अल्ट्रोस की बैजिंग, नंबर प्लेट के लिए जगह, नंबर प्लेट लाइट्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स, ग्राउंड क्लीयरेंस हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे, स्पेयर व्हील, एग्जॉस्ट पाइप, स्पेयर व्हील आपको नीचे मिलता है, ICNG की बैजिंग। काफी अट्रैक्टिव रियर लुक्स के साथ ये कार आती है। एंटीना आपको फ्रंट में मिलता है, स्टॉप लाइट्स, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर आपको इस वेरियंट में नहीं मिलता है। अब हम चलने वाले इस कार के बूट स्पेस की ओर, स्क्रीन के ऊपर हम इस कार के इंटीरियर्स देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगते हैं। पार्सल ट्रे की डिजाइन, स्क्रीन के ऊपर हम इस कार का बूट स्पेस देख रहे हैं। CNG फिटिंग्स होने के बावजूद भी आपको इस कार में बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस मिलता है। ग्लोसरी बैग हैंग करने के लिए बूट में आपको हुक्स मिलते हैं। CNG की फिटिंग हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। मिंडा के एडवांस वार्निंग ट्रायंगल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। मैकेनिकल जैक, आपको इस कार में 210 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ये कार आती है 5 doors के साथ, नंबर ऑफ सीटिंग रोज 2 मिलते हैं। लॉकिंग के अरेंजमेंट, डोर हैंडल, लॉकिंग के अरेंजमेंट, डोर सपोर्ट करने के लिए मैकेनिज्म मिलता है। इस कार में 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। कार की लेंथ है 3.99 मीटर, विड्थ है 1.75 मीटर, हाइट है 1.523 मीटर, व्हील बेस है 2.501 मीटर। आपको इस कार में बहुत ही बढ़िया 165 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है जो कि हैचबैक में अच्छा खासा माना जाता है। कार के इंटीरियर काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगते हैं। बोनट ओपन करने के लिए लीवर, फ्यूल लिड ओपनर आपको यहां पर मिलता है। दोस्तों अब हम चलने वाले इस कार के फ्रंट की ओर, ब्रेकिंग और ट्रैक्शन में आपको एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ ये कार आती है। इसके साथ ही आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलती है। कार के फ्रंट लुक्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। इंजन इमोबिलाइजर के साथ ये कार आती है। सेंट्रल लॉकिंग कीलेस मिलती है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको इस कार मिलता है। दोस्तों अब हम चलने वाली इस कार के इंजन और ट्रांसमिशन की ओर, आपको इस कार मिलता है 1199cc का 3-cylinder इनलाइन 4-valve DOHC 1.2-liter CNG इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर ऑफ 72 bhp और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 103 Nm। ब्रेक ऑयल टैंक, इंजन ऑयल टैंक, वाइपर वाटर फिल करने के लिए जगह हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। रेडिएटर, कूलर टैंक, लॉक अनलॉक के अरेंजमेंट, बैटरी की पोजिशन। इस कार में आपको मिलता है ARAI सर्टिफाइड माइलेज ऑफ 26.2 किलोमीटर पर लीटर। फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ ये कार आती है। ट्रांसमिशन मैनुअल 5 गियर्स के साथ मिलता है।
इस कार के इमिशन स्टैंडर्ड BS6 फेज 2 के अनुसार है। टाटा अल्ट्रोज अवेलेबल है टोटल 10 कलर ऑप्शंस में। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार का ओपेरा ब्लू कलर देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव स्टाइलिश लगता है। 5 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ ये कार आती है। अब हम बात करने वाले इस कार के मैन्युफैक्चरर वारंटी के बारे में। आपको इस कार मिलती है 3 साल की 1 लाख किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। अट्रैक्टिव लुक, बढ़िया परफॉर्मेंस और बढ़िया माइलेज के साथ आने वाली ये कार आपको बहुत पसंद आएगी। आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर निशित कालोकेसर, मैनेजर ऑफ देव मोटर्स BBOD पुणे, ऑल द स्टाफ ऑफ देव मोटर्स एंड देव मोटर्स ग्रुप। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देव मोटर्स BBOD पुणे का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन किया हुआ है। आपके पसंद की टाटा कार खरीदने के लिए जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।